الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे. आज दोस्तों हमारा असेंबली लैंग्वेज का लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम टेबल कोई भी टेबल क्रिएट करने का प्रोग्राम सीखेंगे इन असेंबली लैंग्वेज विद JNE प्रोग्राम कंट्रोल कमांड इंस्ट्रक्शन. इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 8 के अंदर भी हमने एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो कि थी JNZ जंप इफ नॉट ज़ीरो, उसकी हेल्प से हम कैसे कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या आप ऐसे समझ लें कोई भी लूप कैसे रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ JNZ. लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सीखेंगे हम कोई भी लूप कैसे रन कर सकते हैं विद JNE जंप इफ नॉट इक्वल. ये भी एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है. ओके, अब अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो हम JNE की वर्किंग सीखेंगे इस वीडियो के अंदर कि JNE कैसे वर्क करता है. तो स्टार्ट करते हैं. तो मैं यहाँ पे आता हूँ और पहले आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इस विंडो का थोड़ा साइज इंक्रीज कर लेता हूँ. ठीक है, तो हम यहाँ पे आ चुके हैं और ईजिली हम इसे कर सकते हैं काम, इसके ऊपर ईजिली काम कर सकते हैं. ठीक है, अब देखें सबसे पहले हमें क्या करना है. यहां से हम आते हैं, चलो ठीक है. अब देखें स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ORG अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए. आपको पता है हम ORG आगे 100H लिखते हैं. देन उसके बाद मुझे सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है हम कोई भी टेबल क्रिएट करने से पहले जब हमारा टेबल क्रिएट होने लगता है तो क्रिएट होने से पहले फर्स्ट टाइम हमारी वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो होती है. देन उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने अगर 5 का टेबल क्रिएट करना हो तो 5 के टेबल में सबसे पहली वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो. देन उसके बाद 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35. ओके, ऐसे. तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा ज़ीरो से. तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मूव AX, 0, कि मैंने एक अकोमोलेटर रजिस्टर के अंदर वैल्यू रखवा दी ज़ीरो. ठीक है, और ये वो वैल्यू है जो हर दफ़ा उतनी इंक्रीज होगी जितनी वैल्यू को मैंने टेबल बनाना है, मीन जोन सी वैल्यू को मैंने टेबल क्रिएट करना है. फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 का टेबल क्रिएट करना है तो मैं इस अकोमोलेटर रजिस्टर की वैल्यू को हर एक आइट्रेशन के बाद 2 का इंक्रीमेंट इसमें किया करूँगा. ठीक है, फर्स्ट टाइम 0 से 2 का इंक्रीमेंट किया 2, फिर देन 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, then 20. इस तरह अगर 5 का टेबल क्रिएट करना तो मैं 5 का इंक्रीमेंट करूँगा. अब देन उसके बाद मुझे क्या करना है, टेबल क्रिएट करने के लिए आपको पहले तो ये बताना पड़ता है वैल्यू कौन सी है, मीन कोई किस वैल्यू से आपने स्टार्ट करना है. तो मैंने 0 से स्टार्ट करना है. देन दूसरे नंबर पे आपको ये बताना पड़ता है कि आपके टेबल बनाने के लिए आपको कितनी आइट्रेशन की ज़रूरत है. ओके, कितनी आइट्रेशन की ज़रूरत है. और ये आप बखूबी जानते हैं, एक छोटा बच्चा भी जानता है कि टेबल के अंदर 10 आइट्रेशन होती हैं. अब आइट्रेशन किसे कहते हैं, हर बच्चे को ये पता है कि छोटे से बच्चे को भी पता है कि टेबल में 10 जो है लाइंस होती हैं, लेकिन उसे वो अलग बात है, उसे अभी ये नहीं पता होगा कि आइट्रेशन किसे कहते हैं. लेकिन जब उसे ये बता दिया जाएगा कि आइट्रेशन कहते हैं टेबल के अंदर जो एक रो होती है उसे हम एक आइट्रेशन कहते हैं, प्रोग्रामिंग की दुनिया के अंदर हम उसे ईच आइट्रेशन कहते हैं. तो फिर बच्चे आपको अगले दिन साथ ही अगर आप दोबारा से पूछेंगे कि ये बताओ कि टेबल में कितनी आइट्रेशन होती हैं, वो आपको कहेगा 10 आइट्रेशन होती हैं. ओके, तो अब देखिए इसका मतलब है मुझे यहाँ पे एक ऐसे रजिस्टर को तैयार करना है जो 10 दफ़ा अपनी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा. ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर JNE यूज़ कर रहा हूँ. तो मैंने यहाँ पर किया मूव CX, आपको पता है CX काउंटर रजिस्टर काउंटिंग कर रहा होता है कि कितनी दफ़ा आइट्रेशन चल चुकी है. तो मैंने यहाँ पे CX की वैल्यू को 0 से स्टार्ट कर लिया और मुझे कहाँ तक जाना है, 10 तक, क्योंकि मैंने अपनी वैल्यू को कितनी आइट्रेशन चलानी है, 10 आइट्रेशन पूरी करनी है. तो 0 से लेकर 10 तक मेरी 10 आइट्रेशन कम्प्लीट हो जाएगी. ओके, अब देन मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे ये करना है दोस्तों, मैंने टेबल क्रिएट करना है. तो टेबल जिस वैल्यू क्रिएट करना था उतनी ही वैल्यू हम बार बार इस AX में इंक्रीज करेंगे. ओके, जैसे मैंने आपको आगे एग्जांपल दे दिया कि आपने जिस वैल्यू का टेबल बनाना है उतनी वैल्यू आप बार बार इस AX के अंदर जो वैल्यू है उसके अंदर बार बार उतनी वैल्यू ऐड किया करेंगे. ठीक है, तो अगर 5 का टेबल बनाना था हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पर ऐड AX, 5. तो क्या होगा बोला, हर दफ़ा जितनी आइट्रेशन चलेंगी, 10 आइट्रेशन चलेंगी, तो हर ईच आइट्रेशन के अंदर AX की वैल्यू के अंदर 5 इंक्रीमेंट होता जाएगा. ठीक है, तो फर्स्ट टाइम 0, नेक्स्ट टाइम 5, फिर 10, फिर 15, 20, ऐसे चलेगा ये. ठीक है,
उसके बाद मुझे क्या करना है दोस्तों, जब ए का इटरेशन चल जाती है तो हमें उसके बाद क्या करना है, अपने इस सी एक्स की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट भी तो करना ना। ओके, अगर हम इसे इंक्रीमेंट ही नहीं करेंगे तो ये तो सी एक्स की वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी। तो जब जीरो ही रहेगी तो चाहे आप क्यामत तक इसे चलाते रहें ये तो आइट्रेशन चलती ही रहेगी। ओके, तो हम चाहते हैं कि सी एक्स की वैल्यू ईच आइट्रेशन के बाद इंक्रीमेंट हो, और इंक्रीमेंट होने के बाद इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जाए सी एक्स की, सिर्फ 10 तक, क्योंकि मुझे 10 आइट्रेशन चलानी है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा एट सी एक्स, जो मेरा सी एक्स रजिस्टर है उसमें हर दफ़ा ए का इंक्रीमेंट करना है तुमने। ओके, कितने, क्योंकि कितने आइट्रेशन आपने चलाई है, आपने ए का आइट्रेशन चलाई है। तो जब आपने एक आइट्रेशन चलाई है तो आपको सी एक्स के रजिस्टर के अंदर कितनी वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, सिर्फ एक वैल्यू इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद दोस्तों मुझे कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर करना अपने सी एक्स की वैल्यू को 10 की वैल्यू 10 के साथ। ओके, क्योंकि जारी बात है आप सी प्लस वन में आप क्या करते हो, आप एक फार्मूला बताते हो कि क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ये बताना हो कि ये लूप तब तक चलती रही जब तक सी एक्स की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं हो जाती, तो आप क्या कहोगे, आप कंडीशन लगाओगे अगर सी एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 10 के, ठीक है, या इक्वल टू 10 के, ये का फार्मूला है, वो आप कुछ भी दे सकते हो। दोस्तों असेंबली के अंदर हम अपनी वैल्यू को कोई फार्मूले में कन्वर्ट करने के लिए, मैं एक कंपैरिजन का फार्मूला लगाने के लिए हम सी एम पी लगाते हैं। सी एम पी की कमांड हमारे पास होती है जो क्या करती है, हमारी दो वैल्यू को कंपेयर करती है कि क्या ये वाली वैल्यू क्या इस वैल्यू को इक्वल है, ठीक है, कंपेयर कंपैरिजन करना। ओके, तो देखिए मुझे किसका कंपैरिजन करना है, मुझे सी एक्स के रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू का 10 के साथ कंपैरिजन करना है कि क्या सी एक्स के अंदर जो वैल्यू है क्या वो 10 के साथ कंपेयर करना है, क्या वो इक्वल हो गई है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहली वैल्यू, दो वैल्यू कंपेयर के अंदर दो वैल्यू चाहिए होती है, एक फर्स्ट वैल्यू एक सेकंड वैल्यू। तो फर्स्ट वैल्यू किसके पास है, सी एक्स रजिस्टर के पास, जिसको मैंने कंपेयर करना है। ओके, और कंपेयर किसके साथ करना है, 10 के साथ, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपने कितने आइटरेशन चलानी है, 10 आइटरेशन चलानी है। तो लिहाजा फिर हमने कंपैरिजन किसके साथ करना है, सी एक्स की वैल्यू को 10 के साथ कंपैरिजन करना है। ओके, तो देखें आपकी ये जो कंपेयर की इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये मेन कमांड होती है, ये जो कीवर्ड होता है, ये भला क्या 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 करता है, ये आप जो इसे दो वैल्यू देते हो ना ये उसे कंपेयर करता है। कंपेयर करने के बाद अगर तो वो हो इक्वल देन ये आपको आंसर देता है 1, और अगर वो इक्वल ना हो तो ये आपको आंसर रिटर्न करता है या 0, ठीक है जी। देखिए उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने सिंपल यहाँ पे अब मुझे देखिए मेरे पास जवाब आएगा या तो 0 या 1, तो मुझे ये चेक करना है कि कंपैरिजन ने जो भी कंपेयर की है, जो भी मीन कंपेयर करने वैल्यूज को कंपेयर करने के बाद जो भी आंसर लेके आया, मुझे ये वेरीफाई करना है क्या वो इक्वल है, मीन वो आंसर क्या, अगर तो इक्वल आंसर दे रहा है, मीन ये कंपैरिजन का ऑपरेटर इक्वल, 1 का मतलब होता है इक्वल है और 0 का मतलब होता है इक्वल नहीं है। ओके, तो मुझे यही यहाँ पे चेक करना है कि अगर कंपेयर के कीवर्ड ने मुझे इक्वल का मीन जवाब मीन आंसर रिटर्न किया, इसका मतलब है कि मुझे अब दोबारा लूप नहीं चलानी। लेकिन अगर इक्वल का जो है ना आंसर रिटर्न किया नहीं किया बल्कि 0 रिटर्न किया, जिसका मतलब यह है कि ये सी एक्स की वैल्यू अभी 10 के इक्वल नहीं हुई, तो इसका मतलब फिर मुझे लूप को दोबारा मीन नेक्स्ट आइटरेशन दोबारा चलानी नहीं है। तो इसलिए देखें हमारे पास कमांड होती है JNE, JNE means stand for jump if not equal, ठीक है। और आपको ये मैंने कल की वीडियो के अंदर ये बताया था कि जो हमारी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती है ना, जितने भी JNE JNZ, ये अपने अपनी लाइन से प्रीवियस लाइन के आंसर को देके वर्किंग करते हैं। ओके, तो अब देखें ये JNE कौन सी लाइन के ऊपर है, 8 नंबर लाइन के ऊपर, इससे प्रीवियस लाइन कौन सी है, ये 7 नंबर लाइन, ठीक है। तो जितनी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है ना, ये अपनी लाइन से प्रीवियस लाइन के आंसर को देके वर्किंग करते हैं। देखें ये कंपेयर की का कीवर्ड क्या करेगा, या इन दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा और बताएगा कि ये वैल्यूज कंपेयर मीन इक्वल हुई या कि नहीं हुई। तो देन जो भी आंसर लेके आएगा यहाँ पर ला के पुट कर देगा, मीन ये कंपेयर का वर्ड क्या करेगा, यहाँ पर ला के उस आंसर को पुट कर देगा। देन ये मेरा JNE वाला जो कीवर्ड है ये अपने से प्रीवियस लाइन के ऊपर जाएगा, जाके चेक करेगा क्या वहाँ आंसर क्या पड़ा हुआ है, वहाँ पे मीन वहाँ पे क्या आंसर आया। अगर तो आंसर आया इक्वल का, इसका मतलब है ये रन नहीं होगा, मीन ये दोबारा से अपने आप को रन आइटरेशन को रन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इसका मतलब ये है जंप इफ नॉट इक्वल, कि अगर इक्वल नहीं है देन जंप करो, लेकिन अगर इक्वल है देन जंप नहीं करना, ठीक है। तो यही चीज है, अब जंप कहाँ पे करना है दोस्तों, किसी ना किसी जगह पे जंप करना है। लेकिन मुझे आप ये पता, मैंने कल की वीडियो के अंदर भी आपको ये समझाया था कि जंप करने से पहले आपको ये पता चाहिए कि आपने किस कोड को दोबारा से रिपीट करना है। ओके, तो आपको पता हमने किस कोड को दोबारा रिपीट करना है, हम चाहते हैं ये वाले तीन लाइन दोबारा से रिपीट हो, क्योंकि हम ईच आइटरेशन में क्या करना चाहते हैं, ईच आइटरेशन में हमारा पहला काम ये होगा कि ए एक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट करना, दूसरा काम ये है सी एक्स की वैल्यू को मीन अपने काउंटर रजिस्टर की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट करना,
ठीक है। देन तीसरा काम हमारा ये है कि सी एक्स की वैल्यू को 10 के साथ कंपेयर करना, तो ये तीन हमारे काम है ईच आइटरेशन के अंदर, तो लिहाजा आपको पता है इसका मतलब है। फिर हमें ये पता चल गया कि हमने ये तीन जो कमांड ना ये ईच आइटरेशन के अंदर रन करनी है, बार बार इन्हें चलाना है, बार बार चलाना है, तो इसका मतलब है फिर मुझे जंप करके कहाँ आना पड़ेगा, यहाँ पे। अगर ये इक्वल नहीं है सी एक्स की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब मैं जंप करके इस जगह पे आ जाऊंगा। जैसे मैं इस जगह पे आऊंगा और ये दोबारा से ये तीन लाइन ऑफ कोड दोबारा रन होंगी, अगर इक्वल नहीं है फिर दोबारा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आने के लिए मुझे यहाँ पे कोई रेफरेंस फिर देना पड़ेगा, ओके। तो रेफरेंस कैसे देते हैं, आपको पता है सी प्लस प्लस में हम क्या करते हैं, एक लेबल लगाते हैं, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ करूँगा, ओके। एल वन मैंने एक लेबल, आप लेबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ओके। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि आप लेबल का नाम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं, और लेबल के आगे हम क्या लगाते हैं, कॉलन, ठीक है। तो ये मैंने कॉलन लगा दिया। अब ये जो लेबल पे मैं, जिस लेबल मैंने जाना है, ये जे एन जितनी भी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होती है ना, उन प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती हैं, उनके आगे हम अपने लेबल का नाम बताते हैं जहाँ पे हमने जाना होता है। तो मैंने कहाँ जाना, मैंने एल वन मेरी लेबल का नाम है, मैंने वहाँ वापस जंप करना, ओके। तो ये देखें, ये आपका कोड कम्प्लीट हो गया ना, उसके बाद रेड करके आपका सॉफ्टवेयर कम्प्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हम इसके रन करते हैं, और ये देखें आपके फाइव के टेबल की लास्ट वैल्यू क्या होती है, 50। 5 10s are 50 मीन 50। तो 50 का आपको पता है मेमोरी के अंदर हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू आती हैं, डेसिमल नहीं आती। तो डेसिमल का 50 हेक्साडेसिमल की वैल्यू के मुताबिक 32 के इक्वल होता है, ओके। तो आपने ये चेक करना है, क्या अगर ए एक्स स्टेंट में 32 आ जाता है, तो उसका मतलब हमारा टेबल बिल्कुल सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। तो ये मैं सिंगल स्टेप करता हूँ, ये देखें सिंगल स्टेप किया, और ये देखें ए एक्स में क्या आ गया, 5 आ गया। देन ये देखिए, आपने गौर किया सी एक्स में भी क्या आ गया, 1 आ गया। देन जैसे नेक्स्ट आइटरेशन चलेगी, ये देखना, अभी देखें ए एक्स में क्या आ गया, 10, कैपिटल ए 10 की इक्वल होता है। और देन ये देखना साथ ही सी एक्स में 2 आ जाएगी, सी एक्स में 2 आ गया। अब मैं रन के ऊपर एक दफा क्लिक कर देता हूँ, और ये देखें आपने गौर किया ए एक्स में क्या आ गया, 32 मीन 50, और सी एक्स में क्या आ गया, कैपिटल ए मीन 10। तो ये देखें आपको टेबल सक्सेसफुल क्रिएट हो गया। इस तरह आप कोई और भी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं सिंपल। उसके लिए आपने क्या करना, जस्ट दोस्तों आपने ए एक्स की इस वैल्यू आ गई, मीन ये जो आप ऐड कर रहे हो ए एक्स कॉमा ये, ओके। तो जो सी वैल्यू का अपने टेबल क्रिएट करना होता ना, वही वैल्यू आप यहाँ पे उतनी वैल्यू आप ए एक्स में बार बार ऐड करोगे। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 2 का टेबल बनाना है, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे। अगर आपने 4 का टेबल बनाना है, आप 4 लिखोगे। अगर आपने 20 का टेबल बनाना है, तो आप यहाँ पे 20 लिखोगे। और ये देखिए मैं 20 लिख के रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। और 20 10s are कितना होता है, 120, ठीक है। और अगर मैं रन के ऊपर क्लिक करूँ, तो ये देखें इसका मतलब है कि 120 हेक्साडेसिमल के अंदर C8 के इक्वल होता है, ओके। और ये देखें CX में 10 आ गया। तो ये दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप ये सीखा कि हम कोई भी टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ JNE कमांड। या हमने ये सीखा आज की वीडियो के अंदर कि कंपेयर कीवर्ड क्या होता है, ये कैसे वर्किंग करता है। और हमने ये भी सीखा कि JNE का कीवर्ड, मीन ये जो प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है, ये क्या करती है, कैसे वर्किंग करती है। तो इसकी कंप्लीट डिटेल आज की वीडियो में हमने सीखी। तो होपफुली आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।